ठीक है दोस्तों। और दोस्तों डायोड एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए हम यहां पर एक मैं ब्रिज रेक्टिफायर आपके लिए लेकर आया हूं। ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और उसमें मैंने बहुत सारी डीसी वोल्टेज बना रखी है, जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर मैंने कई प्रकार के यहां पर रखे हुए हैं। तो पहला हमारा ये बॉक्स कैपेसिटर, और दूसरा यहां पर पॉली कैपेसिटर है, तीसरा भी पॉली कैपेसिटर है, और चौथा है यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और पांचवा नंबर का है हमारे पास यहां पर सेरामिक कैपेसिटर, और इसको माइका कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर के यहां पे टाइप्स हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्टोर करना और जरूरत के अकॉर्डिंग आगे ट्रांसफर करना। दोस्तों कैपेसिटर के कई सारे काम होते हैं। कैपेसिटर का काम फिल्ट्रेशन भी होता है, फिल्ट्रेशन का काम ये कैपेसिटर करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर की जो पावर है उसको फैरड में मापा जाता है, लेकिन दोस्तों फैरड बहुत बड़ी इकाई होती है, ये तो हम यहां पर यूज करते हैं नैनो फैरड में।